नमस्कार, मैं वासंती घोसपुरकर। सिंपल रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बंद गोभी की सब्जी। हे भगवान, आज क्या यही सब्जी मिली? बच्चे मम्मी को ताकते हैं, पापा अगर काम पे जा रहे हैं तो वो बोलते, सुनो सुनो, मैं तो भूल ही गया, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो मैं बाहर ही खा लूंगा। बच्चे मन महसूस के वो सब्जी डब्बे में लेके जाते हैं और वापस लेके आते हैं। घर के बड़े बूढ़े तो कुछ बोलते ही नहीं, मेरे जैसे उल्टी गुड्डी तो चुपचाप ही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बंद गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं, तो वो टेस्टी कैसी बनेगी? और सिंपल रेसिपीज में आपको हमेशा कम मसालों में स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया जाता है। तो आज मैं वो ही आपको सब्जी बताऊंगी, सिंपल सिंपल, बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं, लेकिन वो बहुत टेस्टी बनेगी। उसमें मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या डालना है, कुछ मसाले डालना ही नहीं है। तो आप देखिए, आपको मोमोज में अगर पत्ता गोभी रहा, बंद गोभी रहा तो चलता है, मंचूरियन में रहा तो बहुत चलता है। हम चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वो विनीगर में डुबोए हुए बंद गोभी के टुकड़े हमारे सामने सुंदर बोल में ला के रखते और फिर हम बड़े चाव से खाते, तब तो याद नहीं आता कि ये तो बंद गोभी है, इसे कैसे खाएंगे। लेकिन घर में अगर बनाई तो कढ़ाई की सब्जी देखती है मुझे और मैं देखती हूँ उसको। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया है, लेकिन मैंने उसको इतना अच्छा बनाया कि मेरी दोनों भी बेटियाँ जब स्कूल से घर आई तो, मम्मी आज तो सब्जी क्या बढ़िया बनी थी, पूरा टिफिन खाली हो गया है, मेरे दोस्तों ने तो हमें वो सब्जी खाने ही नहीं दी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं बंद गोभी की सब्जी। इसके लिए पहले मैं आपको बंद गोभी को काटना सिखाऊंगी। वैसे तो जो लोग आते हैं उन बड़े लोग जो है उनको मालूम है, गृहिणियों को मालूम है, लेकिन ये देखिए, ये 125 ग्राम बंद गोभी है। और अब हम इसका ये जो सीरा है उसको हम ऐसे नीचे रखेंगे और उस सीरे से हम उसको टेढ़ा काटेंगे। उसके बाद हम इसके सीधे सीधे टुकड़े करेंगे। जितने आप सीधे टुकड़े इसके पतले पतले कर सकते हो उतने कीजिए और फिर इन टुकड़ों को हम फिर से काटेंगे। जैसे अब ये हो गया, प्याज को कैसे हम सीधा करके काटते हैं वैसे मैंने इसको काटा। अब हम एक सीरा पकड़कर इसको बारीक बारीक काटेंगे, तो ये जल्दी कट भी जाती है, कुछ ज़्यादा हमको मेहनत नहीं लगती है। एक छोटा टेढ़ा सिरा पकड़कर हमें ये बंद गोभी की सब्जी काटना है। जितना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना। और ये बंद गोभी की सब्जी की मजा ये है, ये बड़ी नाजुक सब्जी है, अगर इसमें कोई आप नमक भी मिला दो तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो सोचिए कि अगर हम उसमें जैसे सोया सॉस और ये उसमें लगाएंगे तो वो ज़रूर पानी छोड़ेगी और इसलिए फिर वो अच्छी लगती है। यानी बंद गोभी की तासीर ये है कि अगर बंद गोभी में आप नमक या और कुछ चीज़ें डालोगे तो वो पानी छोड़कर उसका टेस्ट एब्सॉर्ब कर लेती है, पी लेती। अब मैं पूरी सब्जी काट के आपको आगे का वीडियो बताऊंगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं बंद गोभी की सब्जी। इसके लिए मैं कढ़ाई गैस पे रखी है और अब हम कढ़ाई के नीचे गैस लगाएंगे। इस बंद गोभी की सब्जी को बनाने के लिए मैंने 5 हरी मिर्ची ली, जो बहुत ज्यादा तेज नहीं है और बहुत फीकी भी नहीं है। ये देखिए, ये मेरी 5 हरी मिर्चें, इनको मैंने कैंची से काटा क्योंकि वो अच्छे से कटकर हर एक सब्जी के हर एक निवाले में आना चाहिए। अब इस सब्जी के लिए मैंने आलू को कट किया, आधा आलू ही लिया है कट करके,
ज्यादा लिया नहीं। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई। बंद गोभी की सब्जी के लिए हम सिर्फ 2 चम्मच तेल डालेंगे, इससे ज्यादा तेल हमें इसमें नहीं होना। अगर हम ज्यादा तेल डालते हैं तो बंद गोभी की सब्जी तेल छोड़ती है। मैं बंद गोभी की सब्जी की आपको कहानी बता रही थी। ये बड़ी नाजुक सब्जी होती है, मैंने आपको बताया, कोई भी एसिड या कोई भी क्षार जैसे नमक रहता है, अगर वो उसको लगा देंगे तो वो अपना पानी छोड़ेगी, तो फिर क्या होता है, वो एसिड वो नमक का टेस्ट वो एब्सॉर्ब कर लेती, क्योंकि उसमें बहुत फाइबर रहते हैं। बंद गोभी में ई विटामिन रहता है, बंद गोभी से डाइजेशन अच्छा होता है, बाल अच्छे होते। सबसे अच्छी चीज, अगर आपके शरीर पे स्वेलिंग है कहीं भी, तो बंद गोभी का एक पत्ता निकाल कर आप पांव पर या हाथ पर जहां स्वेलिंग है वहां लगा दो और उसके ऊपर कपड़ा बांध लो, और बाद में 8-6 घंटे के बाद उसको निकाल दो। आपको थायराइड है तो गले पे लगा लो। इस तरीके से उसका उपयोग होता है, इससे बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसके लिए बंद गोभी हमारे, देखिए खाने में होना, चाइनीज लोगों के बाल कितने सुंदर रहते हैं और उनके खाने में आलू ज्यादा कभी नहीं रहता है, आपने देखा है ना। तो वो जैसे बंद गोभी, गाजर, ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसी से वो बनाते हैं। और उनका सबसे टेस्ट किस में रहता है, सोया सॉस, टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, उसमें ही है। ये तो हमारे पास भी है ना, तो हम अपने तरीके से बनाएंगे ना, क्यों ना बनाएंगे, हम बनाएंगे और खाएंगे। तो देखिए अब हमारा ये राई फूट रहा है। राई फूटने के बाद मैं उसमें इतना, बिल्कुल इतना, 2 चिमटी हींग मैं डालूंगी। 2 चिमटी हींग डालने के बाद मैंने इस छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है वो भी डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। अब हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू इसलिए पहले डालेंगे कि आलू जल्दी नहीं पकता है, बंद गोभी तो हमारी पक जाएगी, आलू तो पका ही नहीं, तो वो कच्चा आलू की बंद गोभी की सब्जी खाने में कुछ मजा नहीं आएगा। तो अब हम ये आलू को और मिर्ची को अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें मिर्ची का स्वाद भी गया, हींग का स्वाद भी गया और हल्दी का स्वाद भी गया। अब हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। 2 मिनट हम ढक्कन रखेंगे और 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को निकाल कर उसमें डालेंगे नमक। ये बंद गोभी की सब्जी की बड़ी कहानी है। मैंने पहले ही आपको बताया कि बच्चे और घर में खाने वाले, नौकरी करने वाले लोग इसे पसंद नहीं करते। और अब तो सीजन चल रहा है धूप का, धूप में अगर बंद गोभी डब्बे में लेके गए तो उसको स्मेल आता है। तो अब यही स्मेल हमें कम करना है, तो हम क्या कर रहे हैं वो ही मैं आपको बता रही हूँ। इस बंद गोभी को बहुत ज़्यादा पकाते नहीं है। अब देखिए एक भाप आ गई है, अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। देखिए बंद गोभी मेरी 125 ग्राम थी और 1/2 आलू मैंने डाला तो वो होगा 75 ग्राम के बराबर, अब वो हो गया पूरा 200 ग्राम। इस चम्मच से मैं बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी कम नमक मैंने डाला है, वो इसलिए कि बंद गोभी जो है वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाने के बाद क्या होता है, अगर नमक ज्यादा हुआ तो पूरी सब्जी खारी लगती है, वो खाने के लायक ही नहीं रहती। अब मैं इसमें बंद गोभी डाल रही हूँ, कटी हुई बंद गोभी अब मैंने डाल देंगे। अब आप देखिए इसको हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं। अब आप चाइनीज रेसिपी बनाते हो तो उसमें तो आप बहुत ज्यादा उसको क्रंची रखते हो, 50%, तो ठीक है हमें 50% क्रंची रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको इतना क्रंची रखेंगे कि हमें वो हम चबाएंगे ना तो बड़ा उसका स्वाद आएगा। तो अब मैं इसको अच्छे से हिला लेती हूँ, और अगर आपको इसमें अल्टरेशन करना है तो आप इसमें
मटर डाल सकते हो, हरे मटर, लेकिन बिना हरे मटर की ही सब्जी अच्छी लगती है। सब्जी में का पानी सूख जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें आलू डाला है। आलू से उसका तीखा अरोमा भी सोख लिया जाता है, पानी भी सोख लिया जाता है, तो बंद गोभी की सब्जी खुली खुली और सूखी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। अब बंद गोभी की सब्जी में पानी तो नहीं डाल सकते, तो ढक्कन पे हम थोड़ा पानी डालेंगे और ये पानी जब गर्म हो जाएगा तो हम बंद गोभी के सब्जी में इस पानी को डालेंगे और अगर थोड़ी सी पकने की रह गई होगी तो हम उसको पकाएंगे। अब ये सब्जी पकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अब हमारी बंद गोभी की सब्जी पक गई है, क्रंची है और अच्छी है। अब इसमें क्या डालना ये मैं बताती हूँ। इसमें बिल्कुल आधी चम्मच ये धनिया पाउडर ये मैं डाल रही हूँ, ये देखिए ये इसमें डाल रही हूँ। और अब मेरे घर में सूखा धनिया है तो ये सूखा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। सूखा धनिया भी मैंने डाल दिया, धनिया पाउडर भी डाल दी और अब हम इसको हिलाएंगे। सूखा धनिया इसलिए डालना है कि ये पानी पूरा ही सोख लेगा। देखिए पूरा पानी बंद गोभी का सब्जी का सोखा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा गैस बड़ा करके देखेंगे। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ बिल्कुल हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये देखिए ये छोटी चमची से मैं आधा चम्मच शक्कर इसमें डाल रही हूँ। शक्कर इसलिए डालना कि बंद गोभी का जो तीखा अरोमा है वो पूरा ही निकल जाता है, कुछ भी नहीं रहता है उसमें, इसीलिए इसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोला जाता है। अगर मूली को हम कद्दूकस करते और रखते हैं और उसमें अगर हम शक्कर और नमक मिला देते तो उसका पूरा ही अरोमा, एकदम तीखा अरोमा खत्म हो जाता है। अब देखिए इस बंद गोभी की सब्जी में मैं थोड़ा सा नींबू का रस, इस ये नींबू के रस की बोतल है ये मैंने लाई है और इसमें आधा ढक्कन ये नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। पर मैं बंद गोभी की सब्जी बंद करके इसमें डालूँगी, कोई भी गर्म चीज़ में नींबू डालने के बाद उसमें कड़वा स्वाद आता है, तो अब मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और हमारी बंद गोभी की सूखी मस्त सब्जी तैयार हो गई। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी बंद गोभी की सुंदर मस्त सब्जी। धन्यवाद, आपने मेरे बंद गोभी की सब्जी की रेसिपी देखी, आप इसको बनाइए और खाइए। अरे एक बार आप बनाइए तो सही, खाइए तो सही, आपके घर में जो ओल्डी गोल्डी है उनको खिलाइए तो सही और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए तो सही।